नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यस सर। यस मिस्टर दीपक, आप पिछली बार जब हिंदुस्तान आए थे तो आपका किसी बांकेलाल से झगड़ा हुआ था और को मुरली फूल वाला मारा गया था। वो मुरली फूल वाले तो मेरे ब्रदर इन लॉ थे जो मुझे बचाने के लिए वो, लेकिन देखिए बात ये है कि देखिए मैं पूरी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मिस्टर दीपक। आपने कारण पूछा था, मैंने जवाब दे दिया, अभी आप चुपचाप आराम से बैठ जाइए प्लीज। देखिए प्लीज, ये मुरली को तो वो बांकेलाल ने मारा था प्लीज, और वो फरार हो गया, बिलीव मी। सजना से मिलन होगा, शर्माने के दिन आए। राधा चलिए, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया। क्या सोच रहे हैं? चलिए। मिस्टर दीपक, स्टॉप दिस नॉनसेंस। व्हाट द फक, बड़ा कोई नहीं होगा। टेक हिम टू द फ्लाइट। टेक हिम आउट। छोड़। अरे देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। अरे छोड़ मुझे, अरे देख लूंगा सबको, देख लूंगा। इंडिया से निकाले जाने के बाद मैं सीधा यहां इंडियन हाई कमिश्नर से मिला। उसने कहा है कि वो राधा के बारे में पता लगाएगा। पता नहीं मेरी राधा किस हाल में होगी। पता नहीं। नमस्कार मंत्री जी। अरे राधा का पता चल गया मंत्री जी। कसोगी, जितनी जल्दी हो सके इस किस्से को खत्म करो। और हाँ, एयरपोर्ट ऑफिसर चढ़ा के यहां थोड़ी सी मिठाई भिजवा देना। अरे घंटा घर की मिठाई पहुंचवा दूंगा मंत्री जी। ये वृंदावन में मुरली फूल वाले की बहन राधा को जानत हो का रे? राधा? हाँ। अरे बहुत अच्छी तरह जानत है रस्तोगी साहब, उसके साथ तो हमारी शादी होने वाली थी। तो फिर बाके लाल, आज की रात राधा रानी तुम्हारी, पूरी की पूरी तुम्हारी। खुश है ना रे? बस हमारा एक काम कर देना, सुबह होने से पहले राधा को जला कर मार देना, समझा? जला कर मार देना। ये हुक्म हमारा थोड़ा ही है, ये तो मिनिस्टर सुखदेव का है। चल ड्राइवर, तनिक दबा ना गाड़ी रे। कौन है? बाके। क्या चाहिए? तोहरी जिंदगी। भला हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमारी शादी हो। बैठ, पीछे बैठ। चुपचाप बैठ और हमारी बात सुन। तोहरी जिंदगी खतरे में है। सुखदेव ठाकुर तोहरी जान का दुश्मन है। हमारी जान के दुश्मन तो तुम हो। देखो राधा रानी, तनिक ठंडे दिमाग से हमारी बात को सुनो। देखो हम गुंडा हूं, बदमाश हूं, लुच्चा लफंगा हूं, लेकिन गंदा आदमी नहीं हूं।
हमसे गलती से तुम्हारे देवता जैसे भैया का कत्ल हो गया, हमको प्राश्चित करने का मौका दे दो राधा रानी, हम सच कह रहे हैं। वो लोग समझते हैं कि हमारे हाथ से तुम्हारे भैया का कत्ल हो गया तो हम तुम्हें भी मार देंगे। अरे हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं राधा रानी, हम तुम्हें नहीं मार सकते, तुम्हें नहीं मार सकते। देखो जैसा हम कहते हैं वैसा करो, तुम यहां से निकल जाओ, यहां से कहीं दूर चले जाओ। पर हम जाएंगे कहां? अरे कहीं भी चली जा, चली जाएगी तो बच जाएगी वरना मारी जाएगी। और हां ये 10,000 रुपया तेरी जान लेने के वास्ते हमको मिला था, कल सुबह कोटेशन से तुझे बंबई की गाड़ी मिल जाएगी, वहीं चली जा। तेरे जाने के बाद हम इस घर को आग लगा देंगे, खबर फैल जाएगी कि राधा मर गई। अरे चल बैठी क्या है, चल जल्दी कर, अरे टाइम नहीं है, देर हो रही है, चल उठ। आजा आजा राधा, जल्दी आजा, चल चल। सुना था मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, पर यहां तो दोनों ही तुम हो। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे बाके। देख सब भूल जाइयो, ये एहसान भी भूल जाइयो, बाके को भी भूल जाइयो, और अपना नाम भी भूल जाइयो। भूल के भी किसी को मत बताइयो कि तू राधा है। अब जा जा चल। पर दीपक आया तो? अब ठीक है जा ढूंढ उसे, तुझे ढूंढना पड़ेगा, कोशिश कर, पर पहले अपनी जान बचा, जा राधा अपनी जान बचा, जा मिल जाए तो ठीक है। तुम जानत सब अंतर जामी, करनी कछु ना करी तुम मेरी राखो। हेलो हेलो दीपक, यस इंडियन हाई कमिश्नर चंद्रशेखर हियर, यस सर आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। यस सर, यस सर, आई विल बी राइट देयर सर, थैंक यू। दीपक मैंने तुम्हारा खत पढ़ा और उस पर इंक्वायरी करने के लिए इंडिया रिक्वेस्ट भी भेजी, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इंक्वायरी करने वालों को गांव वालों ने बताया कि तुम्हारी पत्नी राधा तुम्हारा इंतजार करते करते पागल सी हो चुकी थी, उसने अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा ली, खुद भी जल गई घर भी जल गया। आई एम सॉरी दीपक, गॉड ब्लेस यू। Huh?
जाना है लंदन। कहाँ जाना है? लंदन। हमको लंदन जाना है भैया। मुंबई में अकेली हो? जी हाँ, पहली बार आई हूँ। क्या आपको लंदन जाने का रास्ता मालूम है? हाँ हाँ, बिल्कुल मालूम है। कईयों को वहाँ पहुँचा चुका हूँ। तो बस हमें भी पहुँचा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आइए आइए। जय राधे कृष्ण। ओहो, क्या हुआ ड्राइवर साहब? लगता गाड़ी खराब हो गई, अभी देखता हूँ। पाले बादशाह, एक नई लौंडिया लेके आया हूँ। क्या माल है, शोरूम मॉडल। क्या? अच्छा, किधर है? टैक्सी में बैठे लिए। चलो देखते हैं कौन सा नया माल लेकर आया। ये देख भाई, ये देख। क्या देखूं? अरे इधर तो कुछ भी नहीं है। लगता है तेरी मैना फुर हो गई। कहां भागी सरी, चल देखें। और ये सारी पानी पी रही है। अरे वाह, क्या आइटम है, लौंडिया खूब चलेगी। ड्राइवर साहब, गाड़ी ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हो गई, और हमने खरीद भी ली 7,000 नगद देकर। क्या मतलब? चंदो, मतलब ये कि इसने तेरे को बेच दिया, समझी? सौदा हो गया है तेरा, अब चल अपन के साथ। चल इसके साथ, जा। अरे चल, इधर उधर क्या देखती है? चल चल चल, सुना तुमने? छिपन टिकली लंदन जाने को निकली। बाप तेरा लंदन है। चल, अरे चल 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 भाग जा तू यहाँ से, इस बस्ती से भाग जा, हिम्मत करके भाग जा। भाग भाग जा, वरना वरना मेरी लोपा की तरह तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। भाग तू, भाग। वो बच गई, मेरी रूपा की तरह वो बर्बाद नहीं हुई, बच गई वो बच गई, वो बच गई। बहन, मुझे बचा लो। बहन? हाँ हाँ, तुम टकोरी को बहन बोले? हाँ हाँ बहन, हाँ मुझे इनसे बचा लो। अम्मा, इन्हें मेरे को बहन बोले? हाँ हाँ हाँ। अरे मैं वारी वारी जाऊं बिटिया, अरे क्या मुखड़ा है रे इसका? अम्मा, इधर मुखड़ा है, उधर देखो पूरा दुखड़ा है। छोड़ लौंडिया को, चला। अबे पीछे हाथ। अम्मा पे हाथ उठाया। हाँ कर रही है। क्या है? क्या करेंगे बोलता है? अभी दिखाना तेरे को, दिखाना। हमारे पहलवान को बुलाते हैं अभी। बुला बुला, अरे वाह, अरे वाह सीना, दिखा दे तेरा सीना, दिखा दे पसीना। तेरे को मालूम, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता, मालूम? पर आज देख तू, ये हिजड़ा तुझ बड़े मच्छरों को क्या बनाता, देख। हाँ बोल, क्या बोलता बोल। देखो मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। 7,000 रुपए देकर लौंडिया खरीदी है, चुपचाप इसे मेरे वाले कर दो। अरे 7,000 की बात कर रहा है? उस लड़की ने हमको बहन बोला है, हम उसके लिए जान दे देंगे। अरे वो उस्ताद, इन हिजड़ों के मुंह मत लगो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या मतलब? पीट दिया तो क्रेडिट नहीं, और पीट गए तो हम फड़वे नहीं, और सालों को खत्म कर दूं। अच्छा
अरे खंटा खोल के दे रहे हैं, देपसी फंटा जो भी है बेड में। चल नीचे उतर, उतर रहे माठी मिले। मेरा नाम मालूम तेरे को? नहीं 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 मालूम। मेरा नाम श्रीदेवी। श्रीदेवी? हाँ। क्या मतलब? मैं फ्री में मिलती हूँ ना, इसलिए मेरा नाम फ्री देवी है। दादी, देख देख तेरे पीछे का, देख देख ले, लड़की उठा के लड़की उठा तो बड़ा साल है। अरे रहो मेरे गुलदस्ता। अरे क्या ठोकर है, भका भक भका भक भका। हाँ माँ, ये छोरी मेरे गांव की है। अच्छा, अब मेरी बेटी जैसी हो गई। अब एक काम करो, इसको अपने घर ले चलो। अरे नहीं रे, इसको लंदन जाना है दूल्हे के पास। अच्छा, जरा मालूम कर कौन सी गाड़ी जाती है। अम्बा, उधर गाड़ी नहीं जाती, उधर एरोप्लेन जाता है। हाँ तो उसका टिकट भी तो कहीं मिलता होगा। अम्बा, उसका एक पास होता है, फॉरेन का टिकट होता है। वो कहाँ मिलता है रे? हाँ अरे मालूम नहीं है, वो अपना पैरेलल है ना, अपने को दुबई लेके आता ना। हाँ। उसका एक टिकट लगता है, उसका एक पास लगता है। हाँ। चल ना प्यारे के पास चलते है। डॉली, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये जानते हुए भी कि मैंने राधा को जी जान से प्यार किया है। ये जानकर ही कि तुम किसी को इतना प्यार कर सकते हो, मैं तो तुम्हें और भी चाहने लगी हूं दीपक। और फिर राधा, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही। यही तो गम है जो मुझे जीने नहीं देता, यही तो गम है, यही गम मुझे दिन रात खाता रहता है। दीपक, यही गम कि उसने मुझे कितना याद किया होगा, कितना तड़पी होगी मेरे लिए, रोज दुल्हन का श्रृंगार किया होगा। दीपक, जानती हो, उसने सोचा होगा कि मैं उसे भूल गया, और एक रात उसने खुद को जलाने की सोची होगी, अपने ऊपर तेल डाला होगा ऐसे, और फिर आखिरी बार मुझे याद किया होगा और ऐसे आग लगाई होगी। तुम क्या कर रहे हो दीपक? राधा कैसे जली होगी, मैं वही जलन महसूस करना चाहता हूं। दीपक! दीपक!